सुनत बिछुआ हादी का पीछे साबित रागी पिंड धिक-धिक पड़ो तीन अकले व ना ही वतनी अखंड। वो परम धाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं है जो अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का वियोग सहन कर सके। मेरे कहने का आशय नहीं है कि आज भी सभी छोड़ दें, ये तो हमें तत्वज्ञान से समझना होगा कि अक्षरातीत कहीं भी अलग नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी जैसे पद्मावती पुरी में प्रवेश करते हैं उनको चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। बंगला जी दरबार में आते हैं, सब शांत बैठे हैं, जिधर देखिए उधर ब्रह्म मुनियों के तन मूर्तावस्था में पड़े हुए हैं, कितनों ने शरीर छोड़ दिया है। छत्रसाल जी को समझते देर नहीं लगी कि स्थिति क्या है। वे विलख विलख रोने लगते हैं कि प्राणेश्वर अक्षरातीत आपका छत्ता आपके सामने आया है, आपको मेरे से बातें करनी पड़ेगी। लेकिन कोई आवाज नहीं आती है, छत्रसाल जी कोई असह्य हो जाता है और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली कि या कहते हुए कि जिस तलवार से मैंने यवनों का सिर काटा है अब वही तलवार मेरा भी प्राणांत कर सकती है। जैसे तलवार निकालकर अपनी हत्या करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, श्री जी हंसते हुए पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि छत्ता क्या तूने इस महाराज के तन को ही केवल अक्षरातीत समझता था? मैं तो देख सभी आत्माओं के धाम हृदय में मैं ही रहता हूं। जब तेरा घोड़ा के नदी में डूब रहा था तो तुझे किसने बताया था? मेरी पीठ पर देख तेरे घोड़ों के खुर के निशान बने हैं। छत्रसाल जी को देखकर सांत्वना हुई, कहा कि छत्ता तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए मैं केवल लीला में ओझल हो रहा हूं, यथार्थ में नहीं। मैं सभी आत्माओं के दिल में रहूंगा, इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेरे मान। छत्ता को कहते हैं कि महाराजा जी सो कहिया एक देखत हो तुम तिस वास्ते सेवा साथ के सौप चलत हैं हम। सब सुंदर साथ का उत्तरदायित्व मैं तुमको देता हूं कि सब सुंदर साथ को जगाना, सबको प्रेम के सूत्र में बांधे रखना और इनके हृदय में ही मेरी बैठक देखना। महाराजा छत्रसाल जी को यह सेवा कार्य का आदेश देकर श्री जी पुनः ध्यानावस्था में हो गए और उस तन को गुमर जी में पधरा दिया गया। फिर भी सुंदर साथ को असह्य था श्री जी का अंतर ध्यान, सहन नहीं हो पा रहा था। श्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलता रहूंगा। एक वर्ष तक दर्शन लीला चलती रही। केशवदास जी से वाणी की जिल्दे बांधनी थी, सभी ग्रंथों का संग्रह करवाना था। लालदास जी से कुछ अलग लीला करवानी थी, मुकुंददास जी से कुछ और सेवा लेनी थी, महाराजा छत्रसाल जी से कुछ और सेवा लेनी थी। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, हमारा परात्म कतन धनी के चरणों में है तो हमारी आत्मा का तन भी धनी के चरणों में। इस तन को कितनी देर तक इस दुनिया में रहना है इसका निर्णय मूल स्वरूप के हाथ में। लालदास जी भी लगते हैं क्या मैं ही इतने कठोर हृदय का हूं कि इतने सुंदर साथ तन छोड़ दिए और मैं ये संसार में जागनी कार्य के लिए बैठा हूं। लेकिन नहीं, जो मूल स्वरूप का आदेश होता है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है। लालदास जी के तन से यह पूरा घटनाक्रम लिखा जाना था और लालदास जी को ये सेवा सौंपी जाती है। लालदास जी इस पूरे वितक का पहले प्रकरण से लेकर मोमिन सेवे कर्मरत से होते हुए जो आखिरी यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, उस चौपाई तक जो वितक की अंतिम चौपाई है लालदास जी ने रचना की, आज वह वितक हमारा मार्गदर्शन कर रही है।